स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ फूड कि हम लोगों को कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए. यस मींस न्यूट्रिएंट्स मींस हम लोगों की कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वी रिक्वायर सम न्यूट्रिएंट्स इन अ कंप्लीट प्रॉपर रेशियो. Which major component required means we required carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. ये तो हमें चाहिए. इनमें से किसी भी एक की deficiency होगी तो जिससे हम लोगों की growth and development complete नहीं होगी. We also required some dietary fiber as well as water. ये बेशक कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते लेकिन हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट नीट एंड क्लीन बनाने में और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये हमें चाहिए. इसके बिना भी हम लोगों का काम नहीं चलने वाला. यस सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट. वी नो वेरी वेल कार्बोहाइड्रेट दो टाइप की है, स्टार्च एंड शुगर. मीन्स वो वाले जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट कॉर्न है, शुगर है, इन सभी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी वो वाला प्रोडक्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो यहाँ मैंने एक बिस्किट को क्रश करके डाल लिया, फिर उसमें मैंने डाल लिया क्या, वाटर. देन वी विल ऐड आयोडीन. आयोडीन डाल लेंगे. आयोडीन डालने पे इसका जो शेड है वो ब्लू ब्लैक आ जाएगा, ब्लू और ब्लैक शेड, या बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल शेड आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि दैट कंपोनेंट हैव कार्बोहाइड्रेट. मींस टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब फूड में क्या होगा कार्बोहाइड्रेट. टेस्ट में क्या डालना है, आयोडीन. यस टेस्ट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन किस में है, चीज में, पनीर में है, एग में है. एग के जो दो हिस्से हैं ना, एक वाइट वाला एक येलो वाला, जो येलो वाला हिस्सा है उसमें फैट है, जो वाइट वाला पोर्शन है उसमें आपकी प्रोटीन है. तो आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें प्रोटीन ले लेने, मीन्स वो वाला कंपोनेंट ले लेने जिसमें प्रोटीन है. अगर मैं अपनी लैब में दिखाऊँ तो मैं इसमें स्मॉल पीस चीज का डाल लूंगी. उसके बाद हमने इसमें डालना है क्या, कॉपर सल्फेट एज वेल एज कास्टिक सोडा. जब हमने ये दो कंपोनेंट डाले और डालने पे इसका वॉयलेट शेड आ जाता है तो दैट मींस सब्सटेंस हैव प्रोटीन. हमें कैसे पता लगेगा किस सब्सटेंस में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में फैट है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे बताया मैंने, कि जो सब्सटेंस है उसमें आप आयोडीन डालें, आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक शेड आ जाएगा. अगर ब्लू ब्लैक शेड आ गया दैट मीन्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट. अगर प्रोटीन है तो आपने डालना है क्या, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. तो कौन सा शेड आएगा, वॉयलेट शेड. तो अभी हमें पता लग जाएगा कि सब्सटेंस में क्या है, प्रोटीन. नेक्स्ट है फैट. फैट का तो आप बहुत जल्दी देख सकते हो, जैसे घी है, बटर है, ऑयल है, यहाँ तक कि जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, उसमें भी ऑयल है. तो मोस्टली मैं जब लैब में दिखाती हूँ तो ऐसे एक हम प्लेन शीट ले लेंगे, उसके ऊपर ग्राउंड नट लीजिए, लेकिन वो रोस्टेड नहीं होनी चाहिए, वो कच्चे वाले ग्राउंड नट लीजिए, लेके इसे क्रश कीजिए. क्रश करने पे अगर यहाँ पे स्पॉट बन जाता है, ऑयल का स्पॉट लग जाता है, तो हमें पता लग जाएगा कि सब्सटेंस में क्या है फैट. अगर फैट होगी तो ऑयली जो ग्रीस का, जो ऑयल का जो स्पॉट है, वैसा सा हमें एक पैची स्पॉट दिखाई देगा. यस नाउ
ये सभी कंपोनेंट को विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पता तो लगा लेंगे, लेकिन ये हमें लेने क्यों चाहिए, क्या है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमें उठने, बैठने, चलने, भागने, दौड़ने, बोलने, इन सब के लिए प्रोवाइड करेगा, क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और फैट का भी सेम ही काम है, लेकिन फैट इससे ज़्यादा, तो मीन्स मुझे फ्यू डेज तक अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट ना दिया जाए तो मैं यूँ आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मैं बोल नहीं सकती। तो क्यों? क्योंकि बहुत है एनर्जी गिवन फूड एंड प्रोटीन। प्रोटीन हम लोगों की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए चाहिए, खास करके जो छोटी एज के बच्चे हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट चल रही है, 5-7 या बिल्कुल 1 या 2 साल के बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। क्या मुझे भी लेना चाहिए क्योंकि मेरी जो हाइट होनी थी वो हो गई? यस, क्योंकि प्रोटीन जो मेरी बॉडी में, ये सभी को मालूम है हम लोगों की बॉडी मिलके बनी हुई है सेल और टिश्यू से, जो सेल हैं वो प्रोटीन से, डेली मेरी बॉडी में न्यू सेल बन रहे हैं, एज वेल एज कोई सेल कट गया है, डैमेज हो गया, रिपेयर होनी है सेल की तो भी होगी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ये तो पता लग गया लेना है, लेकिन विटामिन भी बहुत काम के हैं। ये जो SSC का कल ही क्वेश्चन आया उसमें विटामिन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए हमें अपने स्किन और आइज के लिए चाहिए, विटामिन सी फाइट अगेंस्ट द डिजीज, और विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई तो हो जाएगा बेरी। ये विटामिन B1 है, ये बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन डी हमें मालूम है हमें सन की जो लाइट है वहाँ से मिलता है, जो हम लोगों की टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन सी फाइट अगेंस्ट द मैनी डिजीज, एज वेल एज अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? विटामिन सी की, तो हमारे गम्स में से, टीथ में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। इसके अलावा मिनरल, हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स वेरी लेस क्वांटिटी में चाहिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सभी हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए। ये वाले मिनरल्स हमें मिलेंगे कहाँ से? या तो प्लांट प्रोडक्ट से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से। इन सभी को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। यस, विटामिन्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विटामिन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दे फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो विटामिन सी है, जितना ज़्यादा हम लोगों की बॉडी में होगा उतना ही हम लोगों का इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और उतनी ही जल्दी हमें कोई भी डिजीज बहुत जल्दी नहीं होगी, हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा विटामिन ए हम लोगों की आइज को, विटामिन डी जो है किसको, विटामिन डी बोन्स को, विटामिन सी टीथ एंड गम्स को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डिफरेंट के डिफरेंट नेम है विटामिन ए सी डी ई के, ये सभी विटामिन हमें चाहिए। ओनली विटामिन बी है जो कि ग्रुप में है, B1 है, B2 है, B12 है, इस टाइप से जो विटामिन बी है दैट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स। हमें सभी विटामिन्स चाहिए टू मेंटेन द गुड हेल्थ। डेली हमें ये ना हो कि मैंने ये चीज़ ले ली तो वो मिस हो गया, तो हम लोगों का जो डाइट है वो यूँ होना चाहिए कि उसमें सभी कंपोनेंट्स होने चाहिए। रफेज का वैसे तो कोई ही न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, लेकिन ये हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम को नीट एंड क्लीन करने में हेल्प करेगा। ये एक फाइबर है जो से हम रफेज बोलते हैं, ये मोस्टली सभी होल ग्रेन में, पल्सेस में, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में है। ये हम लोगों का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे
बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा। तो आपके डाइट में रफेज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी हमें चाहिए। लेकिन मैंने अगर सभी कुछ खाया और रफेज को मिस किया तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन नहीं होगा, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होगी। तो खाने में मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप रफेज ले सकते हो उतना लेना चाहिए। सैलड में मैक्सिमम है, दलिये में खूब ज्यादा है, ये सब। यस, पानी, वाटर के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। हम लोगों की कंप्लीट प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए 70-80% जो है वो पानी होना चाहिए। ये पानी जो है हम लोगों के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड स्वेट, एज वेल एज वाटर हेल्पफुल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये हम पानी तो मैक्सिमम पीना चाहिए। ये बोलते हैं कि 10 गिलास तो पानी के आप डेली पियो। इसके अलावा वाटर में, मिल्क में, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें वाटर इंटेक सबसे ज़्यादा हो। यस, नाउ बैलेंस डाइट। बेशक हम लोग कितना भी सोच समझ के खाएं लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों की बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट मीन्स वो वाली डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल, रफेज, वाटर, सब कुछ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। मोस्टली क्या हुआ, हमने खाना वाना खा लिया लेकिन जो फ्रूट है वो मिस हो गया, या मैंने खाना अच्छे से खाया, पानी का जितना मुझे इंटेक लेना चाहिए था वो नहीं लिया। मीन्स मेरे खाने में सोडियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तो उस डाइट को बैलेंस डाइट नहीं कहा जाता जिसमें कोई भी कंपोनेंट मिस हो। तो बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट विच हेल्पफुल टू द कंप्लीट ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड गुड हेल्थ। वी शुड टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट रेशियो। इसकी कम अगर अमाउंट कम होगी, किसी भी चीज़ की कम होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है, फैट की, विटामिन्स की, जिस भी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी मुझे उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि कंप्लीट डाइट हो, किसी किस्म का कोई कंपोनेंट मिस नहीं होना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। यस, मैंने अभी बोला कि हम लोगों की बॉडी में किसी भी एक कंपोनेंट की डेफिशिएंसी होने पे उस स्पेसिफिक डिजीज होने के चांसेस हैं। विटामिन ए हो गया तो हम लोगों को हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस की हो जाएगा। विटामिन बी की कमी हो गई तो हो जाएगा क्या, वेरी वेरी सी की कमी हो गई तो गम और जो टीथ है यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेटस हो जाएगा, नीज आपके बेंट होने शुरू हो जाएंगे, बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी। कैल्शियम मालूम ही है हमें, कैल्शियम हम लोगों की बोन और टीथ के लिए चाहिए। आयोडीन, हम लोगों के यहाँ पे थायरोक्सिन ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है, उसकी कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए हमें लेना होगा आयोडीन। आयोडीन हमें प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द गोइटर। आयरन, हमारी मिनरल भी हमें उतनी ही क्वांटिटी में चाहिए, वो है आपका डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया। ये स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी मैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रहें, खुश रहें और जितना मैंने पढ़ाया पढ़ते जाएं। इसी चैप्टर को कल हमने फिनिश करेंगे डिटेल के साथ एमसीक्यू। तब तक के लिए ओके, बाय।